हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और वीडियो को आप प्लीज़ पूरा देखिएगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। और इस वीडियो में आपको पता है कि हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में एजुकेशन पेपर के सेकंड पेपर के लिए। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना, नहीं तो कन्फ्यूज़न आपके मन में रह जाएगा, तो आप बार बार कॉमेंट करके पूछोगे। तो सबसे पहले आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर भी मैंने कुछ क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले बताए थे। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, और अभी आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एजुकेशन से रिलेटेड हर तरीके की न्यूज़ प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए हम सीधे क्वेश्चन पे देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड अगेन, ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, तो इसको फाइनल मत मानना कि यही क्वेश्चन आएंगे। ये सिर्फ उनके लिए जिन्होंने अभी तक कोई भी प्रिपरेशन नहीं करी है। आप इन क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चन आएंगे, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर दो पेपर में आ गए तो हर पेपर में ही क्वेश्चन आएंगे, आपकी अपनी भी कुछ प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन अगर हम सेकंड पेपर के लिए देखें, तो जो पहला क्वेश्चन होता है वो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग आप पढ़ सकते हैं। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये क्वेश्चन पूछता आ रहा है। उसके बाद लैंग्वेज कंट्रोवर्सी, ये आपका शॉर्ट और लॉन्ग किसी में भी पूछ सकता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए लैंग्वेज कंट्रोवर्सी। ऐसा नहीं कि आएगा ही, लेकिन आप इन पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगर देखें तो लर्निंग बर्डन एंड वर्क एक्सपीरियंस के बारे में आपको पढ़ना होगा। लर्निंग बर्डन क्या है एंड वर्क एक्सपीरियंस के बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना रहेगा। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है वो है एडल्ट एजुकेशन। एडल्ट एजुकेशन आपको पूरा कम्प्लीट पढ़ना है, कहीं से भी इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके मेन फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड प्रोग्राम्स के बारे में आपको पूरी डिटेल चीज़ें पढ़नी है। अभी लगभग आपको आज रात का टाइम है, प्लस कल का पूरा दिन का टाइम है, यानी मान लीजिए तो 30 घंटे आपके पास पूरा टाइम है। अगर 30 में से आप 15 घंटे भी पढ़ते हैं देन आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो सेकेंडरी एंड प्राइमरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एडल्ट एजुकेशन एंड सेकेंडरी एंड प्राइमरी एजुकेशन की कोई भी चीज़ें आपको नहीं छोड़नी है। इसमें अगर बात करें हम तो सेकेंडरी में एम्स सजेस्टेड बाय एजुकेशन कमीशन इन 1952, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, तो इसको भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन भी आप, प्रॉब्लम्स क्या है एंड फुल डिटेल इसकी भी करनी है आपको। उसके बाद देखना है हैंडीकैप्ड एजुकेशन, ये भी बहुत बार पूछे हैं, तो ये आई थिंक 10 नंबर के क्वेश्चन में आपके आ सकता है हैंडीकैप्ड एजुकेशन। एंड उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि है वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल, ये भी आप प्रिपेयर करिए। उसके बाद कोर करिकुलम। तो ये थे लगभग 7-8 क्वेश्चन आपको, जो कि मैंने अभी बताएं। उसके बाद आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जैसा कि अगर मुझे कोई और क्वेश्चन लगता है कि अगर ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो मैं वो टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा आपको। तो टेलीग्राम आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, साथ में चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।